चीकू भैया, क्यू एन ए में तुमने बर्थडे गिफ्ट की बात करी थी, तो ये गुलाब जामुन तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है? नहीं नहीं, ये जो तीन थाली है ना, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा, ओके, थैंक यू। अभी मैं जा रहा हूँ मिक्कू भैया के घर पे, एक फूड पैकेट लेके जा रहा हूँ। उसको पता नहीं है कि मैं क्या लेके आ रहा हूँ, बट थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस के लिए एक बार बता देता हूँ। ये संगम प्राइड लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ही कहीं मिक्कू रहता है और कारोबार बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। जल्दी से चलते हैं मिक्कू भैया के घर पे। तो यार भैया, सुनने में आया कि चीकू भैया बाहर आ गए हैं, तो अपन जल्दी से चलते चीकू भैया को मिलने और आपको भी दिखाते चीकू भैया क्या लेके आए। मेरे को सुनने में आया था कुछ लेके आएंगे, पर क्या लेके आए वो नहीं बताया था। देखें चीकू भैया किधर है। ओ चीकू भैया, चीकू भैया, चीकू भैया, कितने बड़े, कितने सारे आइटम्स लेके आया हूं मैं। वाह यार, तो आओ तो सही, अंदर तो आओ। गेट बाहर खुलेगा, अंदर खुलेगा? बाहर खुलेगा, तो फिर थोड़ा सा देखना। ओहो हो, क्या दिख रहा है यार ये? द लंच इयोन के नाम से कुछ तो भी लाए हो। लो पहले तुम्हारा वेलकम करते, फिर देखते डब्बों में क्या है। यार वेलकम बहुत बढ़िया हुआ है, और अब मेरे को यार जल्दी से खोलो कि मैं लाया क्या हूँ। बिल्कुल यार, तो चीकू भैया लेके आए हैं अपने लिए द लंचियन के, मतलब इसका नाम लंचियन है, पर हम लोग करेंगे अभी डिनर, तो उसके फूड पैकेट्स लेके आए हैं। और चीकू भैया तीन फूड पैकेट्स और तीनों थालीज है, और अलग अलग वेराइटीज की सब्जियां हैं इसके अंदर। अच्छा, हाँ। ओहो भाई साहब, कुछ एनवेलप जैसा भी है यार अंदर, इसमें क्या है? वाह यार, क्या बात है। ये द लंचियन के कुछ पैम्पलेट्स वगैरह हैं, तो आपको पहले पूरा समझाते हैं कि द लंचियन क्या है और आज का व्लॉग कैसा होने वाला है। तीन थालीज में लेके आया था, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं लंचियन, द लंचियन जो है, कोविड जब चल रहा था तब उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है, टिफिन प्रोवाइड करे हैं और खाना प्रोवाइड करा है। उसके लिए सबसे पहले तीन थालीज है, तो पहली जो सबसे छोटी थाली है, और हर थाली पे एक सैनिटाइजर लगा है। वाह यार, तो जो छोटी थाली है उसका नाम है लंचियन मिनी। अब इसके अंदर क्या क्या है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि एक आलू की सब्जी होगी, दाल चावल और रोटी। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये जो अपना कंटेनर है, ये कंटेनर माइक्रोवेव सेफ कंटेनर है। अच्छा, जैसे कि अभी मैं लेके आया, वैसे तो ज़्यादा ठंडे नहीं हुआ है, हाँ, बट अगर ठंडा हो जाए तो आप माइक्रोवेव के अंदर गर्म कर सकते हो, उसको खा सकते हो। अपन करें कि नहीं करें? बिल्कुल करना तो चाहिए, क्योंकि तुम आने में थोड़े से लेट हो गए। क्या करें यार, अब इंदौर का ट्रैफिक तो आप लोगों को पता ही है। और हर पैक के ऊपर आपको है ना तीन चीज़ें लिखी हुई मिलेगी, एक शेफ्स बॉडी टेम्परेचर, एक फूड पैकर बॉडी टेम्परेचर, और एक डिलीवरी बॉय बॉडी टेम्परेचर। वाह यार, तो ये जो सबसे बड़ी दिख रही है ना यार, इसका नाम है लंचियन ट्रैवल। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये थाली बेस्ट रहेगी। और इसके अंदर तो भैया मिलती है बढ़िया सी सेव। अगर यहाँ पर है ना, ये अपने को वेट टिश्यूज मिला है, अगर आपके हाथ गंदे तो आप बढ़िया से सैनिटाइज कर लो, उसके बाद पहुंच के। हाँ, आपको साथ में सैनिटाइजर भी मिलता है। और इसके अंदर एक बार ओपन करना है, इसको ओपन कर लो। और क्या, इसको ओपन करते हैं अपन। एकदम एयर टाइट कंटेनर है, मतलब आपका जो फूड है वो एकदम सेफ भी है। बिल्कुल यार। चीकू भैया, गुलाब जामुन तो है, पर इसको खोलते से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दाल है इसके अंदर, आलू की सब्जी है, पनीर की सब्जी है, सेव है और चपाती है। बस तो बढ़िया सा अपना पापड़ भी है, चावल है, जीरा राइस है, सैलेड भी है, अपना गुलाब जामुन है। वाह वाह वाह। तो यार जल्दी से देखते हैं कि कौन सी टेस्ट करेंगे। तो यार मिक्कू ओपन कर रहा है, उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बोला था मिक्कू भैया का घर बताओ, तो आपको थोड़ी सी झलक तो आपको मिल गई होगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो मेरे हाथ में है, इसका नाम है सिर्फ लंचियन, मतलब ये लंचियन की एक जो नॉर्मल एवरेज थाली थी जो सबको पसंद है वो है। इसका मेन्यू थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर आपको मिलेगा क्या क्या मिलेगा आप खोल के बताता हूँ। हाँ, इसमें सब पनीर की सब्जी दिख रही है, और उसमें शायद मटर भी है, तो मटर पनीर हो सकता है वो। ये बेसन चक्की लग रही है मुझे, साथ में दही है। चीकू भैया, अगर आपको बहुत ज्यादा वेज पसंद है आप, तो हरी सब्जी खाते हो, तो गिलकी की सब्जी है, दाल है, जीरा राइस है, सलाद है। अच्छा, लंचियन के बारे में जितना मैंने सुना है ना, जैसा चीकू भैया ने बताया कोविड टाइम्स में डिलीवर कराया था, ये लोग हेल्दी फूड डिलीवर करते हैं, और मतलब एकदम आपको बिना जिंजर गार्लिक का जो जैन फूड होता है वो आपको मिलता है, जो बहुत ही एकदम लेस ऑयल और बहुत अच्छा बनता है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ। तो जल्दी से टेस्ट भी करते हैं और बताता हूँ आपको कैसा है। और मिक्कू, जब तक यार चपाती ओपन कर रहा है, तब तक मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, अगर आपको संडेस को दाल बाफले खाने हैं, हाँ, तो लंचियन संडेस को दाल बाफले डिलीवर करता है, अगर लॉकडाउन नहीं है तो। बिल्कुल, आपको पूरा एकदम मुख स्वाद का भी पूरा सब कुछ ख्याल रखा जाएगा, आपको शुगर वगैरह सब है, पापड़ की एकदम खतरा है, बढ़िया चकाचक सी।
तो ये देखते हैं रोटी है पराठा है। ओहो चिकुबिया तवा रोटी तुम्हारी फेवरेट, क्या बात है। तो चिकुबिया वैसे हाँ। इसको गर्म करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ थोड़ा गर्म है। ओके। सबसे पहले क्या टेस्ट करें तो भैया अपन करते हैं। मेरे को पता था तुम पनीर के ऊपर ही। अच्छा इसमें पनीर की ऊपर से रखें और जो मटर पनीर है उसकी ग्रेवी है, टेस्ट करके देख लेते हैं। और यार बहुत दिनों बाद बाहर का खाया है, पर बाहर का भी घर जैसा ही लगेगा ये तो। घर जैसा टेस्ट है क्योंकि अगर आपको टिफिन सर्विसेज चाहिए वो भी लंच ऑन देता है और एकदम जो घर पे आप जैसे सब्जी बना सकते हो ना पूरा वैसा टेस्ट है। थोड़ी सी दाल भी टेस्ट करके देख ही लेते हैं। एकदम जीरे में बघारी हुई दाल आए हैं। ओके okay. अच्छा मेरे को इसकी प्राइस एक बार बता दो। इसकी प्राइस ये जो पर्टिकुलर थाली जो मैं खा रहा हूँ इसकी प्राइस आपको मिलेगी 175 रुपीज। 175 रुपीज मिलेगी। एक बार मैं फिर से आपको चेक करके बता दूंगा। 175 रुपीज ही इसकी प्राइस। तो और इसमें इतना खाना आता है कि एक आदमी अगर आप दो लोग भी हो आप दो थाली बुलवा लो तो आपका एकदम पेट भर जाएगा आराम से। तो ये तो 175 वाली है और जो दूसरी है उसका प्राइस अलग है और जो सबसे छोटी इसका प्राइस अलग है। बिल्कुल। तो वो आपको बता देंगे अभी। मेरा बढ़िया सा एकदम गर्म हो चुका माइक्रोवेव के अंदर। मिक्कू के पास जो पनीर की सब्जी थी वो थी मटर पनीर और मेरे पास है बटर पनीर। वाह यार ये बटर पनीर बहुत ही प्यारी दिख रही है मेरे को। आपको एक स्पेशल चीज बोलूंगा, अगर आप ट्रैवल पैक लोगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे बढ़िया से तवा पराठा। ओहो हो और साथ में ये नहीं बताओ कि ये साथ में ये दाल है, गुलाब जामुन है। जो मेरे पास ट्रैवल वाली है उसकी प्राइस है ₹225, जो सबसे छोटी है उसकी प्राइस है 125 और जो मीडियम साइज है जो नॉर्मल लंचियन की थाली उसकी प्राइस है 175। ओके जल्दी से टेस्ट करते हैं। मस्त गरम गरम पराठे हैं वो बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं पराठे और बहुत ही बढ़िया है और सॉफ्ट सॉफ्ट है एकदम। आलू की जो सब्जी है, आलू की सब्जी का नाम है आलू लिपटमा। अब वो क्या होता है आई डोंट नो, मतलब नेम तो एकदम यूनिक है। एक बार टेस्ट करके देखते हैं। वाह बहुत ही बढ़िया। साथ में सेव भी है यार, सेव किसको नहीं पसंद होती है। और एक चीज बहुत अच्छी लगी कि सैलेड सब में रखा है क्योंकि जनरली सैलेड रखते नहीं है या कुछ कम ज्यादा कर देते हैं। अब एक मैं टेस्ट कर लेता हूं एक बार बटर पनीर। बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा स्वीट साइड में है। अच्छा टेस्ट है। राइस भी टेस्ट कर लो एक बार। करी लो यार चिकुबिया इतना सब कर रहे हो तो इतना राइस में दाल डाल के। यार वह मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि चिकुबिया घर पे ऐसा एकदम फोन करके बोला कि मिक्कू मैं तेरे लिए कुछ लेके आ रहा हूँ। और हाँ अभी यहाँ रुकूंगा। ग्रेट सक्सेस। बहुत अच्छा टेस्ट है। सबसे अच्छी सब्जी मेरे को लगी आलू की सब्जी। आलू की सब्जी इज वेरी नाइस। बहुत अच्छा टेस्ट है और एकदम बढ़िया सी गरम गरम पके हुए आलू है इसके अंदर। और यह पनीर की सब्जी तो मेरी फेवरेट रहती है, चाहे वो बटर पनीर हो चाहे वो मटर पनीर हो। एट लास्ट डेजर्ट के तौर पे एक बार ये तो बनता है यार। चिकू भैया क्यू एन ए में तुमने बर्थडे गिफ्ट की बात करी थी तो ये गुलाब जामुन तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है? नहीं नहीं ये जो तीन थाली है ना ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा ओके थैंक यू। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे यार तीन थाली स्पेशली क्यों? तीन थाली इसलिए क्योंकि जो अपनी मिनी वाली रहती है ना मिनी वाली में आता है राजमा और जो कि मिक्कू भैया का फेवरेट है। अब ऐसी बात हो गई थी मेरा बर्थडे गिफ्ट है तो राजमा तो मैंडेटरी होना चाहिए था यहाँ पे। यार राजमा बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो राजमा पहले इसे प्लेन टेस्ट करके देखो। बिल्कुल यार बहुत अच्छा टेस्ट है राजमा का, मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। बाकी यार जैसे जीगो मैंने बताया कि मेरे को राजमा बहुत पसंद है और स्पेशली राजमा चावल पसंद है तो राजमे को थोड़ा चावल के साथ भी खाना तो बनता है। हाँ और ये जो चावल ये जीरा राइस है, जीरा राइस है। और यार एक चीज और, अभी जैसे इंदौर में थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुला है तो हमने आई थिंक 2 से 3 महीने बाद बाहर का खाया पर बाहर का भी घर जैसा है। बाहर का भी घर जैसा है। हाँ। पूरा घर जैसा टेस्ट है और जो डिलीवरी हुई है जो फूड बना है हम पूरे अश्योर है कि जो भी बना है सब एकदम सेफ है सिक्योर है। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा सब पूरा खत्म करते हैं। राजमा चावल कैसा लगा? राजमा चावल बहुत ही अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा ध्यान पहले यहाँ है, ये पूरा खत्म करते फिर आपको मिलते हैं एंडिंग के साथ। तो यार गाइस ये था वीडियो लंची ऑन का जहाँ पर मैं बढ़िया से पैकेट लेके आया था और मिक्कू भैया को दिया मैंने बर्थडे गिफ्ट। बिल्कुल यार अगर आप सोच रहे बर्थडे कब है तो आज आप मंडे को वीडियो देख रहे हैं 21 तारीख को, आज ही इसी दिन मेरा बर्थडे है
तो खैर चिको भैया धन्यवाद आपका, आप इतनी सारी चीजें लेके आए। और अगर आपको मिक्कू को विश करना है तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे बिल्कुल बोलना। बिल्कुल यार, तो अगर पूरी मैं अभी लंचन की बात करूँ ना, बहुत अच्छा टेस्ट है, घर जैसा टेस्ट है। और चिकू भैया जो इतनी दूर से मेरे लिए लेके आए कि यार मैं तो तेरे लिए कुछ लेके आऊंगा और व्लॉग करेंगे अपन, तो बड़ा सक्सेसफुल रहा, अच्छा लगा हमको। बिल्कुल भैया, लंचियन के बारे में थोड़ी सी कुछ लंचियन के बारे में ये दो चीजें मेन हाईलाइट करने वाली है कि 7 days 7 menu, हर दिन अलग अलग आपको मेन्यू मिलेगा। दूसरी चीज आपको जैसे कि नो गार्लिक एंड नो क्या था, अगर आप जैन फूड प्रेफर करते सीधा तो नो अनियन नो गार्लिक, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको टिफिन सर्विस चाहिए, मंथली सर्विस चाहिए, वो भी होता है। और आपको पार्टीज के लिए अगर ऑर्डर करना है तो वो भी होता है। आपको करना ये है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है, सिर्फ ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पर कॉल करना है, डायरेक्ट ऑर्डर करना है। बिल्कुल, और मतलब ये एकदम हेल्दी हाइजीनिक फूड सर्व करते हैं। और अच्छा बर्थडे मन गया, मजा आ रहा है, और क्या चाहिए यार। बस तो बस आज के वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। अच्छा एक मिनट, ये रात को यहीं रुकने वाला है तो और मजा आएगा। के अंदर तो भैया मिलती है बढ़िया सी सेव। ओहो, इसमें सेव भी मिलेगी आपको, सेव मिल जाए तो मजा आ जाता है। और क्या है भैया, ये माउथ फ्रेशनर है खाने के बाद। चिकू भैया वो वेट टिश्यूज है।